विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी डॉक्टरों के घर से प्रैक्टिस करने पर सवाल उठा। भाजपा विधायक भैयालाल रजवाड़े ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाला हर केस रिफर किया जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आपकी चिंता जायज है, मैं भी अवगत हूं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 15 दिन के भीतर बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन होगा, एनेस्थीसिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ और दूसरे डॉक्टर दिए जाएंगे। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने बॉन्ड डॉक्टर की समस्या को उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, 1079 विशेषज्ञ डॉक्टर की भर्ती होने जा रही है, 8084 नर्सिंग स्टाफ से लेकर भृत्य तक की नियुक्ति होगी, कुल 10,000 से करीब स्टाफ और डॉक्टर इस साल भरे जाएंगे। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर की कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा हूँ कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप हैं अस्पताल का। गेटअप के बाद सेटअप होता है ना, इसलिए पूछा हूँ मैं कितने सेटअप हैं, क्या यदि हाँ तो कौन कौन से पद भरे हैं, कौन रिक्त हैं, उनकी क्षमता कितनी है, तथा वर्तमान में और किन किन पदों के स्टाफ की आवश्यकता है, विगत 2 वर्षों में कितने मरीज हॉस्पिटल में एडमिट किए गए तथा कितने मरीज अन्य अस्पतालों में भेजा गया। मैं ये मंत्री जी से पूछा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे लिए विशेष पल है और बड़े भावुक पल हैं कि जिन्होंने मुझे एक अभिभावक की तरह एक पंचायत से लेकर यहाँ पहुँचाया और ऐसे व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए ठीक जवाब देना। और उन्होंने ऐसा प्रश्न भी पूछा है जो लोकहित और जनहित में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से लेकर विभिन्न स्टाफों के 188 पद स्वीकृत हैं, उनके विरुद्ध में 111 लोग कार्यरत हैं, 77 पद रिक्त हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जवाब आ जाए ना, सेटअप पूछ रहे हैं, सेटअप सेटअप कितना, नहीं जवाब आ जाए फिर आप प्रश्न कर लेंगे। तो 77 पद जो रिक्त हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 98 पद हम जीवनदीप समिति DMF और NHM से भर लिए हैं, लेकिन उनकी चिंता जायज है। हमारे पास जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसमें 6 पद रिक्त हैं और चिकित्सा अधिकारी 9 पद रिक्त हैं, जिसकी उन्होंने शायद उसी के लिए उन्होंने चिंता किया होगा। साथ ही साथ जो मरीजों की भर्ती और रेफर की उन्होंने बातचीत पूछी है, तो 2022-23 में 19,821 मरीज भर्ती हुए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में, उसमें से 1410 को रिफर किया गया और 22-23 में 20,103, उसमें 1941 रिफर किया गया, और अभी इस वित्तीय वर्ष में 5318 अप्रैल से लेकर जून तक में 5318 मरीज वहां पर आए भर्ती हुए, उसमें 481 हम लोगों ने रिफर किया, औसतन 9 से 10% रिफर करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष, चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोले कि 188 नहीं, 187 पद वहाँ का स्वीकृत है, 111 कार्यरत है और 76 रिक्त है। दूसरा है सिविल सर्जन एक है लेकिन वहाँ खाली है। तीसरा चिकित्सक प्रथम श्रेणी का 13 है, उसमें 7 भरा है और बाकी खाली है। चिकित्सक अधिकारी 25 हैं जिसमें 16 भरा है, 9 खाली है। ये सब जो खाली हैं इसी के चलते रेफर हो रहा है। ये सब डॉक्टर अगर रहते तो रेफर नहीं होता, आए दिन वहाँ जो रेफर हो रहा है, ये रेफर कब तक ख़त्म होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और बैकुंठपुर जिला अस्पताल से मैं भी वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे भी जिला में अभी तक जिला अस्पताल संचालित नहीं है, दोनों जिले का संयुक्त रूप से संचालित है। सिविल सर्जन आपको मैं 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा रेगुलर, साथ ही जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं इनको भी 100% तो नहीं, लेकिन 6 में जो 2-3
बहुत जरूरी हैं, इनको 15 दिन के अंदर मुहैया करा देंगे, और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर की कमी है उसको 100% भर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्याम बिहारी जी, माननीय मंत्री जी, जो घोषणा करते हैं उसको पूरा भी करना पड़ता है, मैं आपको ध्यान आकर्षित करवा रहा हूँ थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधानसभा में जो भी घोषणा की है आप बताइए, उसको नहीं पूरा किए होंगे तो हमने बोला था पूरा वेयर हाउस के जितने भी प्रबंधक है सबको चेंज कर देंगे, हमने चेंज कर दिया पूरा, पता कर लीजिए। चलिए माननीय मंत्री जी, आपने सब बता दिया, सेटअप बता दिया और जो कमी है उसको ही बता दिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये प्रथा जो चल रहा है वहाँ पर, जो डॉक्टर अपने घरों में मेडिकल दुकान लगा के रखे हैं घरों में, ये कब तक समाप्त होगा? घर का दुकानदारी कब तक चलता रहेगा? इसीलिए आज जो है हॉस्पिटल में समय पे नहीं आते हैं, सेकेंड टाइम में तो आते ही नहीं कोई डॉक्टर, इसलिए आज वहाँ पे परेशानी हो रहा है। आए दिन जो भी बात होता है, सीधे पेट का दर्द है तो भी रेफर, हाथ टूट गया है तो भी रेफर, लड़का पैदा करना है तो भी रेफर, 50-50 हज़ार रुपया बगल में शर्मा डॉक्टर का हॉस्पिटल है, एक डिलीवरी केस में 50 से 60 हज़ार रुपये लेता है, तो ये कब तक समाप्त होगा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों को चूंकि वहाँ पूरे सदस्यों को बताना चाहूँगा कि दो प्रकार के डॉक्टरों का उसमें वो रहता है, एक तो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं जो अपने घरों में खाली टाइम में प्रैक्टिस करते हैं वो होते हैं, और दूसरे नॉन प्रैक्टिस वाले होते हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिस है उनको हम अलग से कुछ उनको अलाउंस देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो अपने हॉस्पिटल टाइम के अलावा अपने घरों में भी वो लोग प्रैक्टिस और मरीजों को देखते हैं। बाकी आपकी चिंता जायज़ है, मैं भी उससे वाकिफ हूँ। महिला चिकित्सक की हम लोगों ने नियुक्ति किया था, एनेस्थीसिया भेजा था, बॉन्ड वाले सर्जन भेजा था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उस पर भी हम लोग कुछ और कठोर नियम बनाने वाले हैं। फिर भी 15 दिवस के अंदर कहीं से व्यवस्थित करके एनेस्थीसिया और महिला और सर्जन की हम व्यवस्था करेंगे, ताकि कम से कम जो डिलीवरी की समस्या है वो दूर हो जाए। आप डेट नोट कर लीजिए, 15 दिन के बाद मेरे को बताइए। मैं नोट कर लिया और आपसे पूछूंगा, लेकिन आप मुझको ये बताइए कि एनेस्थीसिया तो एक है और वो एक महीना बचा है उसका, वो बाउंड वाला है, फिर क्या करोगे? फिर एनेस्थीसिया नहीं रहेगा, गायनकोलॉजिस्ट है नहीं, सर्जन है नहीं, तो क्या होगा फिर हॉस्पिटल का? फिर रेफर रहेगा, वो बंद नहीं होना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वो उनके गुरु हैं, उनके चेले हैं, तो ये गुरु और चेले मिलके कोरिया जिले में बैठ के ये मामला सॉल्व नहीं कर सकते? छोटी छोटी सी बात, यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ये मामला पूरे प्रदेश में ही ऐसी स्थिति है। बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं मंत्री जी, टीएस सिंहदेव साहब यहाँ थे, मैं वहाँ से बैठ के पूछा था कि बॉन्ड भरवा देते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं सरकारी खर्चे में, वो पैसा पटा देते हैं, तो ये बांड से तो कुछ हल होगा नहीं। आप उसका कोई बढ़िया निर्णय कराइए, कड़ा निर्णय कैसे होगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय बता दीजिए। मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो तीन प्रकार के तीनों का प्रश्न आए हैं। माननीय भैया लाल जी को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए आप हम दोनों बैठकर चिंता करेंगे। दूसरा, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने जो डॉक्टरों के लिए कहा, तो मैं बताना चाहूँगा सदन को कि 1,079 डॉक्टरों की हम विशेषज्ञ से लेकर जो मेडिकल ऑफिसर और विभिन्न विभागों के जो डॉक्टर हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही 8,084 स्टाफ नर्स से लेकर भृत तक के उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। 232 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर को भर्ती के लिए हमने PSC को भेज दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार 10,000 के आसपास स्टाफ से लेकर डॉक्टर की भर्ती प्रक्रिया हम इस साल करने की तैयारी में है।